है गाइस। हेलो गाइस। तो गाइस अभी आज 14 नवंबर है। हम लोगों ने ये हैम्पर गिफ्ट प्रिपेयर किया है अपनी छोटी बहन के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे 19th of November को है। आज 14th है और हमें देना है 19th को, तो हमने तैयार करके रख दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान है और हम लोग काफी दिनों से इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी प्रिपेयर हो चुका है पूरा का पूरा। अब हम उसको 19th को दे देंगे। yes. और उसके रिएक्शन देखना चाहेंगे कि वो कैसे करेगी, और वो रिएक्शन मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ओके, सो टिल देन bye wait and bye bye yes bye see you so hello guys aaj date kya hai आज है 17th, आज है 16th of November और 16th of November पे मैं संजना का गिफ्ट यहाँ पे काव्य के रूम में छुपाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ये उसे एंड में देना है एकदम जिससे कि वो एकदम शॉक्ड हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना उसके काव्य के रूम में छुपा रहे हैं उसे। ओके, सो लेट्स सी। हो गया, चलो ठीक है। ओके, सो गाइस सब कुछ हो चुका है और ये काव्य का गिफ्ट है जो वो उसे देने वाली है 19th of November को। ठीक है, अब हम लोग आपसे मिलेंगे सीधा 19th of November को, जब हम उसे ये गिफ्ट देंगे, और उसके रिएक्शन के लिए प्लीज 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 वीडियो को पूरा देखना। ओके, हेलो एवरीवन, आज फाइनली 19th November आ चुकी है एंड आज है मेरी बहन संजना का बर्थडे, जिसको मैं करने वाली हूँ सरप्राइज है क्या? उस दिन मैंने ब्लॉग में दिखाया था, थोड़ा सा दिखाया था, मतलब फाइनली आज ये पता चलेगा कि उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या चीज़ें। अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, बाद में करूँगी। फिलहाल के लिए जब उसकी केक कटिंग होगी तो मैं उसको एक गिफ्ट दूंगी, मम्मी देंगे उसको एक गिफ्ट, जिससे उसको ये लगेगा दैट दिस इज द ओनली गिफ्ट। मैं दिखाती हूँ क्या है। सी, ये है वो गिफ्ट जो उसको हमें केक कटिंग पे देना है। उसे पता भी नहीं होगा कि उसके लिए मैंने उसकी फेवरेट चीज़ें ऑलरेडी लेके रखी हुई हैं, जो कि उसी के घर में मौजूद हैं इस टाइम पे। इसको मैं सामने से लेके जाऊंगी शाम को, और फिर जो वो बॉक्स है वो खुलेगा आफ्टर पार्टी, जब उसको बिल्कुल लग जाएगा कि अरे अब कुछ नहीं बचा, लाइक बर्थडे इज़ ओवर, तो उस टाइम पे होगा धमाका। फिलहाल आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ फंक्शन, फॉर अ फैमिली फंक्शन, बेसिकली इट्स अ सगाई, सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग रेडी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद, क्योंकि कुछ खास नहीं करना, बस मुझे मॉइस्चराइजर लगाना है और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लेंगे, बस बात खत्म हो गया। तो 2 मिनट का टाइम लेगा मुझे तैयार होने में, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। सो हेलो गाइस, दीज आर माई कजन्स गोल्डी एंड सृष्टि, मेरे छोटी मौसी के बेटे बच्चे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, गोल्डी मतलब कुणाल है इसका नाम। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई हम लोग फाइनली वेन्यू पे पहुँच चुके हैं, एज यू कैन सी द वेन्यू। ठीक है, 1.5 घंटे में पहुँचे, गाज़ियाबाद में है ये जो प्लेस है। और अब हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे बच्चों? खाना खाएंगे, पहले हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है, संजना का जो सरप्राइज़ है मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आई हूँ लिटरली, क्योंकि मुझे संजना को सरप्राइज़ देने की बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो आप लोग देखते रहिए और मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ। ओके, चलो टिल देन बाय। ओके, सो गाइज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बच्चों कैसा लग रहा है ये सारा? मेरे को एकदम बेस्ट लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। दिस इज ऑसम, लाइक जो सराउंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आई लाइक इट। सृष्टि कितनी क्यूट, मैं क्यूटी पाई। और ये मेरा गोल्डी, ये मेरा सबसे प्यारा भाई है। ओके, एंड ये हमारे मौसा जी हैं, सब बाल सेट कर रहे हैं, ये हमेशा अपने बाल सेट करते रहते हैं। ये मेरे सबसे छोटे वाले मौसा जी हैं, और तो पता नहीं मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और फिलहाल ये मेरी क्यूटी पाई मेरे साथ है। चलो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी खाना खाने के टाइम पे, टिल देन बाय। ओके, सो गाइस वी आर हैविंग दीज फ्रेंच फ्राइज विद ग्रीन चटनी, आई लव इट, और खाऊंगी और दिखाऊंगी। ओके बच्चों, अब बताओ कि हम लोग कहाँ पर हैं? अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। तो दिखाओगे फैमिली कहाँ पे कहाँ बैठी हुई है? चलो दिखा देते हैं।
इन सब बन चुके होंगे, ये हमारे मौसा जी हैं, ठीक है, और ये मौसी और ये हमारी मौसी जी हैं दोनों, और ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली है। सो और वो भाई हैं, मिल चुके होंगे, व्लॉग्स में रहता है, मोस्टली रहता है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग हमारा मेन मिशन करेंगे खाने का, आज मुझे एक्चुअली अपनी बहन के लिए रिकॉर्ड करना है। मेरी जो काव्या बहन है शी इज़ ऑन डाइटिंग बेसिकली, तो वो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं खाती है, तो जब वो चाहती है कि वो मुझे खाते हुए देखे, ठीक है, सो आई विल रिकॉर्ड दैट फॉर हर, ठीक है, और जब वो देखेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, जब हम लोग खाना खाएंगे अब मैं आपसे तभी मिलूँगी डायरेक्ट। ओके बाय। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, अब देखना दीदी खाना खाएंगे। खुशियाँ, अगर किसी को गोलगप्पे खाना सीखना है तो मेरी दीदी से आगे सीखें। दीदी गोलगप्पे खा रही हो? काव्य को दिखाऊंगी इसको, देख काव्य गोल गप्पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा भी आ गया गोलगप्पे खाने के लिए। भैया तू भी गोलगप्पे खा रहा है? हाँ। So yes guys, I'm having this mixed veg dal with gulab jamun and roti. Let me finish this. Yes. Oh, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे ये आइसक्रीम ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले हम इसको खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। So guys, मैं गोलगप्पे खा चुकी हूँ, लेकिन अब ये मेरे भ्राता की बारी है, वो गोलगप्पे खाना चाहेंगे। तुम लोग को भी खाना है? मैं तो खाऊंगी। ये अनइंटरेस्टेड नहीं है, ये खाएंगे। चलिए आपके हम गोलगप्पे खिलाते हैं। लीजिए। भाई ऐसे कितने खाएगा तू? मुझे क्यों ना लिया? गाइस हमारे मामा जी से मिले, से हाय मामा जी। टू हाय, हाय ऑल, हाय ऐसे नहीं बोलता, हाय ऐसे नहीं बोलता है, हाय ऐसे बोलता है, हाय हाय ऐसे बोलते हैं, हाय। सो गाइस मुझ पे वेट नहीं हो रहा है, हम आज शाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बस मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से यहाँ से छूट जाऊँ, कि बस हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, और संजना का जो सरप्राइज है, जो आज हमें उसे सरप्राइज देना है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है, वो उस तक पहुँचा सकूँ, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल दिस टाइम। कुछ टाइम बाद। ओके बाय। अभी बज रहे हैं 5:30, हमें काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि संजना का सरप्राइज भी रेडी है,
काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी यहाँ से चलने का नाम नहीं ले रही है, वो अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं। सो चलो इतने देखते हैं कि मम्मी कब तक चलती हैं और वेट करते रहो कि हम लोग घर कब पहुँचेंगे और कब उसको सरप्राइज करेंगे। तब तक के लिए बाय। गाइस, सो आई हैव रीच्ड माय होम, हम अपने घर आ गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू संजना। अब हम संजना के पास जाएंगे। ओके चलो मिलते हैं उसके साथ। गाइस अब हम, मैं और मम्मी हैं रास्ते में और हम लोग जा रहे हैं संजना के पास उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में। मम्मी शक्ल नहीं दिखती, मम्मी क्या तेरी क्यों दिख रही है? अरे अंधेरा सा आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ गाइज, वैसे ही मम्मी ही हैं तो रेडी फॉर द सरप्राइज, तुम भी और मैं भी और संजना भी। तो चलो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। फिलहाल उसे हमें पहले देना छोटा सा गिफ्ट, जिससे उसे लगेगा कि उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। देखते रहो। हैप्पी बर्थडे संजना। सो आर यू एक्साइटेड फॉर योर केक कटिंग? मैं आज तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कट पाई, सिर्फ आई हैव गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि वो गिफ्ट क्या है, खोल के तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, ठीक है, वेट कर रही हूँ, करती रहो। संजना कटिंग करो। बर्थडे टू यू। हाँ बस मम्मी, मुझे बहुत खाना है। मम्मी मुझे बहुत खाना है। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। अभी काटने तो कुछ भी तो मिलेगा। कोई बात नहीं, बैठो, छोटे हैं नंबर। अच्छा तो गाइस अब टाइम हो चुका है संजना के सरप्राइज के खुलने का, वो अब अपना गिफ्ट खोलने वाली है और हम सब देखेंगे उसका रिएक्शन। चलो कवर ले, लेफ्ट शूट कर। ये कहाँ पे मिला पर? हम लाए हैं, खरीद के इसको कहाँ मिला? मंजू सीरीज से। तुम्हारी सारी चीजें। ओहो यस, खोलो प्लीज, हमारा गिफ्ट खुल जाए। खोले फाड़ ऐसा देना, यू तो ऐसा देना फाड़ दे। हाँ क्या हो गया, चल फाड़ देना, टाइम लग जाएगा, फाड़ दे। सही में दस दिन, कोई बात लाइट ऑलरेडी 10 दिन लग जा रहे हैं खोलने में। कैसा लगा संजना तुम्हारा सरप्राइज? तुम्हारे लिए पंजाबी तड़का है, लेज है, अब तुम्हारे वो घुगनी है। अच्छा ये लीजिए गाइस, तो संजना का गिफ्ट है ये। खोलो संजना, गहराइयों में मग तायोंग का। नाइस, वाओ, तायोंग का मग। मग ये बढ़िया चीज है। अरे देखिए यहाँ चार पीने का कम इसे पसंद है। हैप्पी संजना, कैसे लगी तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट? तुम्हें तुम्हारे सरप्राइज मिल चुके हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ गया। कुछ वर्ड्स बताना चाहो? बस मजा आ गया, बस मजा आ गया। तुम्हारे पास स्टॉक आ चुका है तुम्हारे 2 महीने का, तुम्हें खुशी हो रही है? 2 महीने का 15 दिन में खत्म। गाइस संजना को उसके गिफ्ट बहुत पसंद आए हैं, तो इसी के साथ हम लेते हैं बाय।
If you like the video, then please do like, share and subscribe the channel. And comment bhi karna. Meri halat bahut kharab ho gayi hai. Raat ko aake meri tabiyat ekdam se kharab ho gayi. Like fever, cold, cough. Ye ho gaya. So please wait karna. Agle video ka milte hain kuch time baad.